दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं शादाब मलिक आपका दोस्त। आज हम बांग्लादेश के ऐसे शहर में आए हैं जहां से कबूतरबाजी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था और ये वो महान शख्सियत की डेरिस है जो अपने में एक अलग पहचान रखते हैं इस पूरी कंट्री में। तो मैं आपको सबसे रूबरू कराऊंगा और उन्हीं से आप उनकी जुबानी सुन सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से उस्तादी दी, किस तरह से वो टूर्नामेंट यहाँ पर कराई और कैसे कैसे इनका क्लब और ऑर्गेनाइज किया। तो चलते हैं, हम स्टार्ट कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये महान शख्सियत हैं उस्ताद नजमुल सुमन साहब। तो सर, मैं आपसे इंट्रोडक्शन में तो भाइयों के बारे में पूछना चाहूँगा, उनका आप इंट्रोडक्शन कराए सर। उस्ताद नजमुल सुमन, ये मेरा खलीफा है, मेरा पार्टी का खलीफा उस्ताद है। ये शागिर्द सरदार है, वो मेरा शागिर्द है मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान, तो आप अभी यहाँ में पहले टूर्नामेंट आपने कब कराया सर? पहले टूर्नामेंट मैं जब लड़ा था तो वो 1996 में इधर में खुलना में बांग्लादेश में प्रथम जो हाई फ्लायर कबूतर का जो टूर्नामेंट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो फर्स्ट जो टूर्नामेंट बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ था वो हाई फ्लायर कबूतर था, वो 1993 में स्टार्ट हुआ था। 30 ईयर्स हो गया। हाँ, 30 ईयर्स हो गया। वो जो हमारा जो संगठन है बोलता है फुलबड़ी गेट पिजन एसोसिएशन, वो हमारा बांग्लादेश का प्रथम संगठन है, उधर से टूर्नामेंट पहले स्टार्ट किया है। तो आप, मैं देख रहा हूँ आप तो उस्ताद हैं, आपको उस्तादी मिली हुई है। जो हमने जो पहले शूट किया और उसमें कोई उस्ताद नहीं है, सब प्लेयर्स थे, सब फाइटर थे, उनका हमने शूट किया है। पहली एक टेरिस है जहाँ से कोई टूर्नामेंट पहली बार यहाँ पर कराया गया टूर्नामेंट, और आपके सामने है महान शख्सियत भी जो उस्ताद हैं और अपने में एक बहुत बड़ी हस्ती है। इस कबूतर परवाजी में बहुत नाम भी कमाया, वीडियो में आपने देख चुके हैं कितने ट्रॉफी कितने कप रखे हुए हैं, ये सब इधर का आप देख सकते हैं, पूरे कप उधर में लगे हुए हैं, ट्रॉफी लगी हुई है, माशाल्लाह बहुत नाम कमाया। तो भाईजान, आपको ये जो उस्तादी जो पगड़ी है ये आपको कहाँ से मिली, मतलब कैसे इसका? अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ देने वाला, सम्मान देने वाला एक ही है ऊपर अल्लाह, उनके रहमत से मुझे ये उस्तादी मिला है। तो इस उस्तादी का किसे जो लोग है, पहले मैं उस बंदा का उस शख्स का नाम लूँगा, वो अब देखते हैं मेरा थोड़ा किसे जो है वो मेरा उस्ताद है। क्या नाम है इनका? सर नाम है सर कमल पाल। वो इंडिया कोलकाता का बहुत जाने माने उस्ताद है। तो मैंने उस्ताद कमल पाल से 2009 में उनका शागिर्द लिया था। 14 साल हो गया। देन 2020 में मेरा पार्टी ऑर्गेनाइज किया, देन उन्होंने उस्ताद ने मुझे उस्तादी करने के लिए बांग्लादेश का परमिशन दिया है। उसके बाद जो बांग्लादेश में पहली दफ़ा कोई जो जिस टाइप का माने क्या बोलता है बांग्लादेश का जो जो पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ है एंड जो उस्तादी जो सिस्टम है ये बांग्लादेश में पहली चालू किया है। तो इसके पीछे एक आदमी जिनका बहुत नाम सबके ऊपर आता है, वो हमारा जो हाई क्लास सेक्टर का हम लोग क्या बोलता है जो गार्डियन बोलता है बांग्लादेश में जी, जो शफीक सर, तो उनका बहुत बड़ा शफीक सर। वो कहाँ से बांग्लादेश में? वो बांग्लादेश में सी आई डी ब्रांच में है, डी आई जी में है। तो शफीक सर चाहते थे जो बांग्लादेश में नया प्रोसेस नया सिस्टम चालू हो, तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया है बांग्लादेश में जो उस्तादी जो सिस्टम है ये बांग्लादेश में चालू हो, क्योंकि हाई क्लास सेक्टर जो है वो बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया है, यहाँ से बड़े बड़े रिजल्ट हो रहा है। और जो बांग्लादेश के जो ये जो हमारा जो शहर है खुलना डिविजन वाला जो शहर है, इधर से कबूतरबाजी पहले शुरू हुआ है। तो इधर से फर्स्ट मैं बांग्लादेश का रिकॉग्नाइज जो बांग्लादेश वाला का जो सपोर्ट से हुआ हूँ, फर्स्ट रिकॉग्नाइज उसका मैं हूँ, तो ये मुझे बहुत
गर्व की बात है मेरे लिए और मेरे पार्टी के लिए। मेरा शागृति है, मेरी मेरा 14-15 शागृत है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट कर रहा है टूर्नामेंट में, हम बहुत सारा रिजल्ट कर रहे हैं। वो जो मेरा साइड में बैठा है मेरा खास खलीफा, मेरा खास पार्टी का एक खास शागृत है, वो खलीफा है। वो बांग्लादेश में लास्ट 4 or 5 years में बहुत नाम का हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा रिजल्ट में उसका नाम है, हैदर है वो उस रिजल्ट का। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ही शुरू हुआ है कबूतरबाजी और माशाल्लाह खुलनाथ से ही लीड करता है बांग्लादेश में, जो बड़ा बड़ा फाइटर आता है इधर से ही ज़्यादा आता है। तो कुछ और कहना चाहेंगे आप व्यूअर्स को, क्योंकि फिर आगे तो शॉप ही कराना है कबूतर का। ऑब्वियसली हम तो शॉप करेंगे, तो व्यूअर्स को यही बताऊंगा बांग्लादेश के जो शॉप है ये पाकिस्तान से आया है, ये शॉप ज़्यादा इंडिया से आया है, पहले इंडिया से आता था, अब जो बांग्लादेश में जो ट्रेडिशन चालू हुआ है वो पाकिस्तान से हम लोग ज़्यादा कबूतर लेता है एवं शौक भी उधर से ही बनाता है जी। तो कबूतरबाजी भी बांग्लादेश में सामने और आगे निकल जाए, आप लोग सब दुआ करेगा बांग्लादेश से ज़्यादा बड़ा बड़ा रिजल्ट, और भी हम लोग होल वर्ल्ड में हम रिप्रेजेंट करेंगे उनके लिए। जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं भाई कबूतरबाजी को, परवाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए बांग्लादेश में जब तक हम नहीं आए थे तो हमें नहीं पता था इतने अच्छे लेवल पर शो करता है। अभी इमोन भाई की मेहनत है हमें यहाँ तक लेकर के आए और हमें इन सब महान शख्सियत से मिलाया। तो अभी सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो अभी न्यू कमर हैं, जो शो को सीख रहे हैं भाई, उन सबको एक मोटिवेशन मिलता है। उस्ताद लोगों को देखते हैं, सबको एक चाहत होती है कि हम भी अच्छे कबूतर उड़ाएं, इस तरह की ट्रॉफी हम भी हासिल करें। तो भाई बस मेरा यही कहना है कि उस्तादों का सम्मान करें। अगर कोई आदमी अच्छा कबूतरबाजी को अच्छे मुकाम पर लेकर जा रहा है, अच्छी टाइमिंग कबूतर से करा रहा है, तो उसको सपोर्ट करें, ना कि उसकी खिंचाई करें, उसके अपोजिट आ जाए, ऐसा कुछ ना करें। चढ़ते हुए सूरज को सलाम करना चाहिए। और जैसे एक मिसाल है कि जब आदमी पेड़ फलदार फल देने लगता है ना तो भारियों पे झुक जाता है, उसी तरह से भाई जब एक कबूतरबाज अच्छा मुकाम पा लेता है ना तो उसके अंदर पे सहनशक्ति आ जाती है। तो वही चल रहा है, हम देख रहे हैं। तो भाई सभी से मेरी गुजारिश है कि सपोर्ट करें, इस शो को बढ़ाएं, इस शो को कम ना करें। तो चलिए आगे हम आपको ले चलते हैं सर के कबूतरबाजी में, कि जिस तरह की इन्होंने ब्रीडिंग बनाई रखी हुई है, किस कहाँ कहाँ की ब्रीड इनके पास, कैसे कबूतर उड़ाते हैं, सबका शौक करेंगे ब्रीडिंग। बहुत अच्छे नया कबूतर मिलते हैं। ये उड़ने का साधन, ये अब यही कबूतर अभी फिर तो मैं रेडी हैं, आज इनको छोड़ा जाएगा फिर तो के लिए। तो ये जो अभी आपका कबूतर है, आपने इनको रेडी किया है? हाँ, अभी रेडी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी भी कच्चा है तो इसे पक्के बनाने के लिए छोड़ रहा हूँ आकाश में। अच्छा, तो हम लोग ये जो सुबह के टाइम में कबूतर छोड़ निकल लेते हैं। तो ये ऊपर का टेरेस आपका, ये उड़ान वाला टेरेस है? हाँ, उड़ान वाला। अच्छा, सुबह का टाइम हुआ है, देख सकते हैं आप शहर का नज़ारा, अभी ये स्टार्ट है।
आपको शौक कराते हैं उस्ताद साहब के जो नायाब कबूतर हैं, जो अपने मतलब इन्होंने खुद मेहनत की ये इस ब्लड पे इसको तैयार किया है और रिजल्ट बहुत शानदार इसका है। थोड़ा उस्ताद साहब बताइए इसके बारे में। इसमें मेरा कबूतर है, इसमें पाकिस्तानी ब्रीड भी है, इंडियन ब्रीड भी शामिल है। ये मेरा बनाया हुआ कबूतर है। इसमें पाकिस्तानी जो कबूतर है ये गोल्डन ब्रीड का है, बड़ा इंडिया का शरण ब्रीड डाला है और इसके साथ और एक ब्रीड डाला है और जो पाकिस्तान तीनों ब्रीड का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। रिजल्ट मेरा लास्ट जो टूर्नामेंट चल रहा था उसमें अभी भी सेल है। इसमें ये 12 घंटा फिर 12 घंटा शौक रही आँख देखिए कबूतर की, उसके रिंकल्स देखिए, आँखों में पानी देखिए कितना कबूतर है। बरोबर शौक है भाई, वाह। माशा देखिए लास्ट पॉट जो है ये उसको ना पर की नवम पर की नीचे फुल नीचे है। हाँ तो बगल देखिए बहुत शानदार दूसरा पार है। ये कबूतर का दुम है, बंदुम का कबूतर है। इसका सील भी हाँ, ये भी अभी भी सील लगा हुआ है। टूर्नामेंट का सील ए एक सील है, दो टूर्नामेंट में अभी ये रिजल्ट मारा है। एक 10 घंटा 19 मिनट में बैठा है और लास्ट में 12 घंटा लगे। पंजे है नाखून देखिए बहुत शानदार। तो और सर कुछ और शौक कराएं आप। अभी आपने देखा तस्वीर वाले कबूतर का शौक किया आपने, ये भी इसका जो भाई है वो लास्ट जो टूर्नामेंट खेला था उसमें नहीं बैठे हैं, वो होल टाइम सारा दिन बैठे हैं और रहते में ओवर हो गया वो नहीं बैठता है घर पर। ये भी मेरा बना हुआ है और मेरा घर का टीवी भी है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसमें, ये भी उड़ रहा है थोड़ा इसके पॉट देखिए बगल बगल की लेंथ और देखिए बहुत शानदार आकर्षक बहुत परवाज वाला पाया है मैंने इसमें से पाया है अभी तक जी। अच्छा इसके जो ये ब्लैक एक पर आता है इसमें भी कुछ? हाँ ब्लैक तो आता है, वो जो टेडी से आता है वो सालारा बोलता है इधर से, सालारा टेडी से बोलता है। ये जो ब्लैक पर आएगा हाँ ब्लैक आएगा और आगे से पिंचर पर जो उसको ब्लैक होता है वहाँ 7-8 पर उसको ब्लैक आता है उसको सालारा बोलते हैं। पंजे देखिए अभी भी खुश निकल आए इसमें खुश
अभी भी आंखों का शौक होता है। क्या पैदा है और एक साल जाएगा तो इसमें कलर भी गहरा हो जाएगा और गहरा हो जाएगा। इसके आकर्षक कीजिए, ब्यूटी तो इसमें ब्यूटी तो बहुत है। इधर आइए, उस्ताद साहब ने इतनी मेहनत की कबूतर परवाजी में कि इसमें पाकिस्तान टेडी भी है और जो इनके अपने टेडी हैं यहाँ के वो भी मिक्स करके ये सब बनाए। रिजल्ट इतना बढ़िया होगा कि इसका अपना एक एक भाई इसका होता ओवर उड़ान में ओवर हो गया, मतलब बैठ नहीं पाया फुल टाइम। देखा कि और रिजल्ट क्या बनेगा। हाँ, ये तो गर्म में ही अभी जो है मार्च जो महीना चल रहा है इधर में, तो मार्च महीने में इधर 36-38 डिग्री टेम्परेचर अभी भी निकल रहा है, तो इसी में भी ये बहुत ज़्यादा बाथरूम दे रहा है। तो आगे से जो गर्मियाँ हैं इस पर कोशिश करूँगा जो ये जो टूर्नामेंट आगे से टूर्नामेंट के रूप में अच्छा जो परफॉर्मेंस दे सके। और भी ब्रीड है मेरे पास, वो जो क्रॉस करके जो बनाया है वो नए ब्रीड है, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इंडियन ब्रीड से कालदूम से भी गोल्डन को क्रॉस कराया, वो भी अच्छा परफॉर्म दे रहा है इंडियन जो कालदूम और ब्रीड है। आपका जो ब्रीडर का वो तो है उनका होगा, आपको ब्रीडर में लेके चलते हैं सर जी, ये तो बोलने वाले हैं जो इनके माँ बाप हैं और जो कबूतर के पास में है उनका मैं आपको शुरू कराऊँगा। बने रहिए वीडियो में लास्ट टाइम। जी अभी नीचे जाने से पहले मैं आपको एक एक ब्रीड का और शौक कराऊंगा, क्योंकि जहाँ जो रिलेटेड कबूतर है उनमें सियालकोटी ब्रीड भी उस्ताद साहब ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया, उसका शौक भी आपको कराते हैं सियालकोटी का। उसके बाद फिर नीचे जाएंगे ब्रीडर में, एक बार सियालकोटी का आइए। ये सियालकोटी है या ये पाकिस्तान का सियालकोटी ब्रीड से आया है, ये प्योरिटी में भी अच्छा उड़ रहा है माशाल्लाह। हाँ हाँ, इसमें लास्ट जो टूर्नामेंट है उस टूर्नामेंट में भी एक इसका एक बहन वो 11 घंटा प्लस करके बैठा है। लास्ट टूर्नामेंट है, ये देखो उधर अच्छा परफॉर्म दे रहा है और इसका जो भाई बहन है वो भी अच्छा काम कर रहा है, तो इसको भी अच्छा हमने अभी तक अप्रूव किया है मेरे इधर। तो पर देखिए एकदम तलवार मास्क पर है कबूतर का। ये अगला जो दो पर दो नौवीं और दसवीं के लिए जो है 9 और 10 बराबर है। हाँ बिल्कुल बराबर है। तो बगल का लेंथ देखिए सियालकोटी कबूतर में ये बहुत कम आता है बगल का लेंथ। हाँ थोड़ा छोटा आता है लेकिन ये बहुत इसका लेंथ बहुत बड़ा है। इसको दुम का शॉट कीजिए, फुल बंद दुम का कबूतर है बंद। इसका पंजा देखिए फलान और दिखाएं से लॉट मुझे छोड़ेंगे ना आप। हाँ इसकी बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा नीचे जाते हैं, अभी आपको ब्रीडर का उतर का शौक कराएंगे। ठीक है, ये उड़ने वाले तो आपको शौक करा दिया, अभी आपको नीचे का शौक कराते हैं जो इनके ब्रीडर का उतर है। आई
धीरे बहुत धीरे। चलिए आपको ब्रीड का शौक कराते हैं जी। उस्ताद साहब बताइए इसके बारे में, कौन सी ब्रीड है आपके हाथ में? तो उस्ताद साहब कुछ अच्छा शौक कराइए जो मेरे व्यूअर्स को बहुत पसंद आए। ये जो मेरा कबूतर देख रहा है जी, ब्रीडिंग सेटअप है जी, जो कबूतर है सब कबूतर में कुछ ना कुछ रिजल्ट वाला ही कबूतर है इधर जी। पहले आपको टेडी में शौक करा, हाँ टेडी में सही, क्यों टेडी तो मैं देख रहा हूँ लोगों को सबसे ज्यादा टेडी लाइक होता है, ऐसा क्यों है सर? टेडी बहुत परवाज आंखों का शौक है भाई। वाह, वाइट डक का कबूतर है ये, मियां नजीर साहब का घर का टेडी है, मियां नजीर वाला है ये टेडी, उस ब्लड लाइन से है ये। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जी। इसके पर है अभी कबूतर, अभी निकल रहे हैं, हाँ क्रीज में है कबूतर, माशाल्लाह बहुत आला। ये जो है इसके टेल से टेल देखते हैं, वाह इसके पंजे है, कुछ पंजे है माशाल्लाह बहुत बहुत नायाब। ये स्ट्रक्चर है कबूतर का बहुत नायाब माशाल्लाह। किसके कितने इसकी चमक है इसके गले में, देखिए खूबसूरती कितना है इसके गले में, टेडी में से चमक तो आते ही रहता है। ये देखिए इसके आइस का शक कीजिए, रिंग का से क्लियर रिंग का चांद, हाँ इसको वो जो कबूतर है वो व्हाइट में है, उसका इसका नर का मादी में थोड़ा सा रेडिश आ गया। अच्छा 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 जी, ऐसे ही प्यार बनता है कबूतर का जी। एक क्रूज में है, परों का साइज देखिए बिल्कुल तलवार के माफिक पर है इसके, माशाल्लाह बगल का पट देखिए, लेंथ देखिए इसका, हाँ टेल्स देखिए, टेल्स भी अच्छा है माशाल्लाह। ये है पंजो बिल्कुल खुश बन जाए, खुश बन जाए। अच्छा ये प्यार भी बहुत, इसको जो बच्चा है बहुत परवरिश देता है।
इसमें एक सिंगल दिख रहा है, ये भी एक शौक करा है, ये भी उसका भाई निकला है सेम भी। तो मैं अलग तरीके को एक सलावे टेडी देख रहा हूँ। अच्छा ये सलारा है, ये सलारा है। बहुत खूबसूरत। इसका टेल से माशाल्लाह बहुत बढ़िया। इसको पंजे हैं, खुश पंजे, खुश। इसका आईज है, बहुत नायाब। आपको गोल्डन सेटअप में एक करता हूं। हाँ, गोल्डन ये मेरा गोल्डन है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरती है। ये स्कूल वाला ब्रीड से आया है। ये कौन सा ब्रीड है? स्कूल वाला गोल्डन ब्रीड बोलता है इसको। वाह जी, इसको आइज देखिए, बहुत खूबसूरत है। मतलब खूबसूरती बहुत है इसका उतर का, इसकी बहुत ब्यूटी है। पर देखिए वही कंडीशन है, 10/9 के नीचे दबा है वही। वाह माशाल्लाह, इसके टेल से बंदम का है, बहुत अच्छा। जो इसके पंजे है खुश। इसमें मादी कौन सा दिया है आपने? मादी भी स्कूल वाला है, ये प्योरिटी में ही है। अच्छा, स्कूल वाला प्योर प्यार है। जो मादी को इसका क्लोजअप देखिए, इसका थोड़ा सा आइस होल्ड कर, सही फोकस नहीं है। माशाल्लाह बहुत आला इसके पास है। बहुत खूबसूरत इसके टेस्ट। हर लिहाज से कबूतर बहुत शानदार है, माशाल्लाह बहुत खूब। अब मैं शक कर रहा हूँ, ये जो मेरा पायरा है, फ्लाइंग सेटअप पे देखा है, जो बच्चा उड़ाया है, उड़ा है उसका, इसी का बच्चा है। हाँ, इसी का बच्चा है, यही नर है, ये गोल्डन का नर है। माशाल्लाह इसका आइज देखिए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये
साइड से। हाँ ये इस पे पंजा ही बहुत बहुत शानदार खुश पंजा कबूतर। अच्छा ये इसी का फीमेल है। सूरज की थोड़ा सा इधर छाया में दीजिए। हाँ अभी अच्छी अभी देखिए सही है। ये भी गोल्डन है? नहीं ये टेडी है, ये टेडी और सहारनपुरी से बने हुए हैं। माशाल्लाह पर वह शौक है भाई वाह। इसके परों की क्वालिटी देखिए, मतलब कबूतर के पर तलवार के जिस तरह से जैसे तलवार होती है ना एकदम धारदार तलवार, इस तरह के पर हैं कबूतर के। इसके टेल से ये इसके पंजे हैं। नाखून देखिए कबूतर बहुत शानदार। चलिए अभी आपको कुछ इंडियन का शौक कराते हैं। अभी इंडियन ब्रीड का सर शौक कराए हैं। हाँ, ये इंडियन ब्रीड इसमें आपको शौक कराएंगे। ये ब्रीड जो है ये 20 पर काले ये हाँ, कल पर कल दूं मैं बोलता हूँ इसको कस्मा ब्रीड बोलता हूँ। कस्मा कस्मा ये इंडियन ब्रीड है जी। मेरा जो अभी तक जो मेरा जो रिजल्ट्स है जी इसमें आधी रिजल्ट इस कबूतर से आया है। माशाल्लाह देखिए ये तो एक भाई खुशी की बात है। हमारे यहाँ की ब्रीड है इंडिया की और यहाँ भी नाम कर रही है। बहुत बहुत मेरा जो शागिर्द है उसके पास भी रिजल्ट किया है। एक्चुअली ये जो बेसिकली ये जो ब्रीड है ना ये आपको इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ये ब्रीड मिलेगी इंडिया में। ये वहाँ की बहुत फेमस ब्रीड है और गर्म की ये उड़ने वाले कबूतर हैं। ये गर्म में बेशुमार प्रवास के मालिक हैं ये कबूतर। बहुत उड़ते हैं और माशाल्लाह यहाँ भी इन्होंने वही काम किया है बांग्लादेश में आके भी इसी तरह से फ्लाइंग ये यहाँ भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये जो इसके इस कबूतर को जो खूबियां है ये है पाकिस्तान की कबूतर की बराबर है इसकी खूबियां ना। हाँ इसको देखिए इसके जो इंडियन कबूतर से टेल्स खुल जाता है ये नहीं खुलता है। हाँ ठीक है इसका जोर हड्डी जो है वो भी एक पाकिस्तान कबूतर की बराबर ही है। वो हड्डी और जोर का गैप कम है, वो जोर लगा हुआ है एक के साथ एक। ठीक है इसके पर के शक जो देखिए पर है इसकी। हाँ, 20 पर और ये जो नव और दशा दो पर भी सेम है। माशाल्लाह एक उधर देखिए इसके पर देखिए इसके बगल देखिए। माशाल्लाह बहुत बहुत शानदार कबूतर है। ये है इसके पंजे आइस देखिए। बहुत आला ब्रीड है, बहुत शानदार है। ओरिजिनल और कुछ है और तो कबूतर तो बहुत ही है। मतलब ऐसा शौक रही है जो जैसे अभी आपने अभी तक जो भी ब्रीड दिखाई है जो कबूतर है पाकिस्तान ब्रीड में जो नए नए मेरा अंदर का जो शक को और आगे बढ़ता जा रहा है जी। गोल्डन कबूतर के ऊपर मेरा वीकनेस ज्यादा है। गोल्डन के लिए ना कबूतर के वो ज्यादा रिजल्टेड कबूतर है तो और एक कबूतर गोल्डन कबूतर में मैं आपको शक कर रहा हूँ जी। इसका क्या इतिहास है इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके इतिहास इसको जो माँ का बच्चा जो है अच्छा एक टूर्नामेंट में मैं सारा दिन उड़ गया कबूतर। वो शाम के टाइम में जब मगरिब का अजान हो गया
उसके बाद भी पायरा लाइट जला कर लाइट में उड़ रहा था, लेकिन ऐसे कुंदा चला रहा है जो सुबह के टाइम जैसे सुर रहा हो ऐसे यानी खूब स्टैमिना के साथ पूरा स्टैमिना था उस टाइम पे उड़ने का, फुल स्टैमिना में है, एनर्जी पूरा है। ये भी मेरा गोल्डन कबूतर, ये मेरा घर के बच्चा है, ये ब्रीड बहुत परवज वाला ब्रीड है। देखिए भाई वाह, बहुत आला ब्रीड है, मतलब गोल्डन में तो खूबसूरती बहुत है। या मेरा जो बच्चा देख रहे थे ना ऊपर में जो उड़ रहा था गोल्डन के बच्चा जो लंबा लंबा घूम रहा था, हाँ आज मॉर्निंग में जो हम देख रहे हैं, मॉर्निंग में जो देखा वो इसी का बेटा है। भाई वाह माशाल्लाह, ये तो आपके रजिस्टर्ड ब्रीड है, उसका तो बच्चे को देख के समझ में आ रहा था कि हाँ इसमें अनलिमिटेड प्रवास का मालिक है। देखिए ये इसका कबूतर जो प्योरिटी में आता है वो क्रॉस करने के बाद जो बनता है ना घर में उसका मजा ही कुछ और है। हाँ, उसका डबल रिजल्ट हो जाता है, डबल रिजल्ट हो जाता है, फ्लाइंग टाइम बहुत बढ़ जाता है बच्चे में। इसका टेस्ट है माशाल्लाह बहुत बहुत शानदार। इसके पंजे, हाँ भाई आपको अभी मैं मेरा जो सियालकोटी ब्रीड है ना जी जी का प्रेस को सर्च करेंगे। हाँ थोड़ा सियालकोटी में शौक है, जो आपने सियालकोटी ऊपर में देखा था, ऊपर में भी एक सियालकोटी आपने दिखाया था परवाज वाला, देखा है आपने अभी तक जी। सियालकोटी का जो आईज होता है वो काले के नूर के ऊपर होता है जी जी, लेकिन मैं जो सियालकोटी आपको दिखाऊंगा वो व्हाइट वाला आंख का है, व्हाइट आईज और रेयर किस्म का कबूतर है सियालकोटी में। मैं आपको उसका शॉर्ट करता हूं, ये प्योर सियालकोटी है लेकिन इसके आईज व्हाइट है जी। ये देखिए सियालकोटी का साइन तो रहेगा ही, लेकिन वो डार्कनेस वाला जो कबूतर को आंख होता है उसी में अलग है, थोड़ा व्हाइट है कबूतर। रिंग्स देखिए, ये बहुत परवज वाला कबूतर है, ये प्योरिटी में 11 घंटा 11.5 घंटा उड़ रहा है। अच्छा थोड़ा इसका प्रो का शौक कराएं, हाँ ये चीज ये देखना मांग रहा था। बहुत नस्लों में तो आपके पास कोई कमी नहीं है, हर तरह की नस्ल है आपके पास में और सब प्योरिटी में आपने रखी है बिल्कुल। ये लेस के नीचे जो परी है ना जी, ये देखिए हाँ कितना लेंथ है ये, हाँ ये एक हो गया, ये एक ओरिजिनल की ये पहचान है कि ये बिल्कुल प्योरिटी ब्लड है, ये प्योरिटी ब्लड है। इसके ऊपर का जो परी है ये भी ऊपर उठ गया जी जी, इसके पैरों की शक्ति दिए बहुत शानदार। इसका इसमें कुछ और एक माता दिखा रहा हूं, सियालकोट में दिखाना आप, इसका बहन है। अच्छा अच्छा हाँ, ये भी बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। ये जो आई देखिए, आई क्लोज अप देखिए, सियालकोटी में वाइट है, बहुत रियर है ये। इसके पैरों को शॉट कीजिए, माशाल्लाह बहुत शानदार चीज। इसके टेल्स है, हाँ टेल्स भी इसका बहुत शानदार बना, ये पंजा है बहुत को। इसको भी वही एक ही चीज आ रहा है, हाँ देखिए एक अंगुल बस खाली बाकी रही है, इसके लंगोट बोलते हैं, इसके लंगोट में ना भाई वाह, बहुत अच्छा ब्रीड का शौक कराया। तो जैसे अभी आपने देखा उस्ताद साहब ने अपने करीब करीब सभी ब्रीड का शौक कराया है, कबूतर तो ढेर कबूतर हजारों कबूतर है सर के पास में, लेकिन भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए बस जो चुनिंदा ब्रीड है उनका शौक कराया है, पुराने वालों से लेकर ब्रीड तक आपको शौक हुआ है। तो अगर भाई ये वीडियो आपको पसंद आती है कुछ भी तो कमेंट जरूर करें वीडियो में।